नेक्स्ट ये देखो, कहता है ब्लॉक ए रिलीज फ्रॉम द कन्वेक्स सरफेस अप ए हेमी स्फेरिकल वेज एज शोन इन फिगर, वेज स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। अब यहाँ से अगर मैं एक ब्लॉक को छोड़ता हूँ तो ब्लॉक अगर एक्स एक्सिस में इधर जाएगा तो वेज इधर जाएगा यार, ठीक है। इस पर तो हम लोग को निकालना है जब किसी टाइम थीटा डिग्री होगा, ये एंगल किसी टाइम थीटा है, तो उस वक्त वेज कितना इधर डिस्प्लेस हुआ होगा, तो ऐसा इन्होंने कह रहा है, ठीक है। तो चलो अब मैं अगर देखता हूँ, देखो अब मैं अगर इसको समझने की कोशिश करोगे तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इसको ले जाके रफ सरफेस पे रख दो तो ये तो चला नहीं, ठीक है, ये चला नहीं। स्मॉल और मौला यहाँ से कितना एक्स आगे आ गया, अगर ये थीटा है ये आर है तो एक्स डिस्प्लेसमेंट ये वाला कितना हो गया आर, एक्स डिस्प्लेसमेंट आर साइन थीटा, ठीक है, आर साइन थीटा। तो ये डिस्प्लेसमेंट मास ब्लॉक का एम आर साइन थीटा पॉजिटिव में गया है तो ये कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम प्लस स्मॉल एम के इक्वल आ जाएगा। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो जो वेज डिस्प्लेस हुआ होगा वो निगेटिव एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, वो आ जाएगा माइनस एम आर साइन थीटा और कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम के इक्वल आ जाएगा, है ना। बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो इस फार्मूले से, ठीक है, बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो।